अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूँ फैज़ान ज़फ़र, एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो फाइनली यूट्यूब ने ऐलान कर दिया है कि आपको सीपीसी सीटीआर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, और एडसेंस में भी आपको बार बार आके अपनी रिपोर्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनली 2018 के स्टार्टअप से ही यूट्यूब की जितनी आपके पास अर्निंग होगी ये तमाम फीचर्स आपके पास बंद हो जाएंगे, और आपकी YouTube की जितनी अर्निंग होगी वो आपको आपके YouTube के एनालिटिक्स के अंदर जहाँ पे रेवेन्यू का ऑप्शन है वहाँ भी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे रिसेंटली YouTube ने लॉन्च किया है और इसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन बता दी है। इसकी रीज़न जो इन्होंने बताई है कि वो इस वजह से कि बहुत सारे प्रॉब्लम को जो यूज़र हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के पहली इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है वो है कि मिसलीडिंग की, कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो जब अपनी अर्निंग देख रहे होते हैं, यानी कि उनकी इस मंथ अर्निंग कितनी होगी, तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग कितनी है, लेकिन लास्ट में यूट्यूब पे जैसे जैसे ही वो एडसेंस में फाइनलाइज होकर आती है तो वो अर्निंग उससे कम होती है। तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को सीपीसी और सीटीआर की वजह से, यानी कि जैसे कि बहुत सारा मशहूर है, यानी कि यहाँ तो बहुत ही मशहूर है कि सीटीआर हाई हो जाए तो एडसेंस बंद हो जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और सीपीसी की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये सब आम चीज़ें इकदाम फ़िलहाल जो यूट्यूब की जो अपडेट ही हैं उसके अंदर बताए गए हैं। तो क्योंकि जो यूट्यूब ने एक्सप्लेन किया है कि जो सीपीसी होता है वो आपके कंटेंट के ऊपर और आपकी जो कंटेंट आप पेश कर रहे हैं लोगों को और उसके व्यूज़ पे डिपेंड करके आपका हाई और लो होता है, तो आप जिस तरह की चीज़ें बनाएंगे उस तरह की आपकी दवा ये कंटेंट्स होंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।